वेलकम टू द माय चैनल। मैं आपको आज सिग्मा नेस्ट के सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। तो सिग्मा नेस्ट सॉफ्टवेयर ऐसा है जहाँ पे हम नेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे कोई भी मटेरियल प्लानिंग हो जिसमें हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कैड फाइल बना के वहाँ पे नेस्टिंग कर सकते हैं, और यहाँ से आपने कितना मटेरियल लगता है वहाँ से हम उसमें आपका कॉस्ट बचता है, मटेरियल बचता है, और बहुत सारे उसके मटेरियल जल्दी मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो मैं आपको एक बाय एक वन बाय वन इस सॉफ्टवेयर पे नेस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा, यहाँ पे सिग्मा नेक्स्ट है X1.3। इसका मतलब क्या है कि एक्स बोले तो एक वर्जन रहता है। इसके बाद में हम दिखाएंगे ये सॉफ्टवेयर के लिए। पहले तो एक ही चीज़ लगेगी कि उसको लगेगा आपको एक कैड फाइल लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैड में कौन सा भी रहा तो उसके लिए आपको एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको एक मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और हमेशा वो जो कैड फाइल रहती है वो कम्प्लीटली क्लोज प्रोफाइल रहनी चाहिए। अगर कहाँ पे उसका अगर ओपन बेस भी रहा कंटूर वगैरह तो सिग्मा नेक्स्ट नहीं लेता। ठीक है, ये रहने दो। तो अभी यहाँ से पहले तो ऑप्शन, तीन ऑप्शंस आपको देखेंगे, फाइल्स, वर्कपेस, कैड और टूल टूल हेल्प। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्कपेस में जाके आकर एक फाइल को इंपोर्ट करना है, जहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस है आते हैं कि DXF फाइल, DWG, IGS रहता है, 3D का कौन सा भी आप यहाँ से उठा सकते हो। तो मैं अभी कौन सा है, ऑटोकैड में बनाया, तो मैं आपने क्या करूँगा अभी DWG फाइल यहाँ से ले लूँगा। तो मेरे सेव में है, वहाँ से आपको पाथ को उठाना है, और ये मैंने अभी इम्पोर्ट कर दिया उसको। जैसे ही इंपोर्ट करेगा वो आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। तो ये रहा मेरा कैड फाइल, यहाँ आपको आपको दिखता होगा चार पार्ट्स है। तो यहाँ पे जाके जैसे ही आता है, तो अगर सिंगल पार्ट रहा तो ऑप्शंस में जाने का, इधर नीचे में फाइल्स है, पार्ट पैरामीटर, ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस में जाने का। और इस पार्ट को अगर सिंगल पार्ट रहा, अभी तो यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स है, मल्टीपल पार्ट्स है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जाके, अगर सिंगल पार्ट रहता है, अगर इसी को आपको कटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल करना पड़ेगा। अगर अब बहुत सारे पार्ट्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाके यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स कर देने का। जैसे मैं अब मल्टीपल पार्ट्स करता हूँ, तो अगर यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिखते हैं, ओके, कैंसिल, मतलब अगर फाइल ओके रहा तो ओके जाने का, गो एड, अगर किस फाइल में अगर कोई भी इरर रहा तो देखने का, शो इरर्स, कोई फाइल में कोई इरर रहा, कभी कभी क्या होता है इसमें एरर रहता है तो ओपन प्रोफाइल वो लेता नहीं। इसके बाद में कहेंगे शो कंटूर्स, अगर कहाँ पे है तो वो क्या देखेगा, रेड सिग्नल यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद में क्या करने का, वैलिडेट ऑल कर देने का, और इसको क्या कर देना है, ओके बोल देने का। जैसे ही ओके होगा तो आपको जो कैड माइल मॉडल है वो तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। तो आपके जैसे ही आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन ऐसे दिखे जाएंगे। तो आपके वन बाय वन यहाँ पे आपका पार्ट का नाम दे सकते हो, यहाँ पे कितना क्वांटिटी चाहिए उतना डाल सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हमें 6 क्वांटिटी चाहिए, इसके मतलब ये पार्ट के आपको चाहिए 2 क्वांटिटी डाल सकते हो। इसके बाद में इसका अगर आपको 4 चाहिए तो 4 क्वांटिटी डालना चाहिए। यहाँ पे उसका सब डिस्क्रिप्शन आता है, यहाँ पे एक्स डायमेंशन कितना है, वाई डायमेंशन कितना है, यहाँ होल कितना है। तो इसके बाद में इसको ओके कर देने का। जैसे ही हो जाता है, यहाँ तक आपका पार्ट हो गया कि फाइल आपकी इतनी तक आ चुकी है। तो आपको क्या करना है अभी, नेस्टिंग का, नेस्टिंग अभी तो हुआ नहीं, जस्ट आपका क्या हुआ है कि जो कैड फाइल्स है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। अभी अभी जो स्टार्ट होगा न्यू टास्क बोल देने का, क्योंकि हम अभी नेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स आता है, तो यहाँ पे आपको 4 एरोज दिख रहे हो, तो सिंगल क्लिक के लिए है, ये बैक के लिए है, और ये फॉरवर्ड करने के लिए है। तो यहाँ पे आपको वन बाय वन चूज करना है तो वन बाय वन आप भी ले सकते हो। अगर पूरा एक ही साथ लेना है तो क्या करने का, एक ही साथ डबल एरो पे क्लिक कर देने का, तो पूरा वहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में ये होने के बाद ओके बोल देने का। जैसे ही हो जाए तो इसके ऊपर आपके जितने आइटम्स आपने चूज किए थे वहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिखता है कि एटोनेस्ट है, मॉडिफाइड टास्क है, पैरामीटर है, तो पैरामीटर में जाने का, और आपको शीट का साइज़ क्या है वो डाल देने का। जैसे कि थिकनेस है, अभी मेरे को हमें 10 mm में कटाना है, तो यहाँ पर मैं लेंथ डालूंगा। तो शीट के भी स्टैंडर्ड रहते हैं, जैसे कि 6x6 मीटर बाय 2500, वैसे एक स्टैंडर्ड रहता है। तो यहाँ पर आप लेंथ डालने का,
इसके बाद में विड्थ भी डाल देंगे, मतलब कितना क्वांटिटी शीट का क्वांटिटी कितना चाहिए जो आपको कटाना है। इसके बाद में आता है यहाँ पे नीचे पार्ट क्लियरेंस, और यहाँ पे नीचे आता है एज डिस्टेंस। पार्ट क्लियरेंस इन द सेंस यहाँ पे कि दोनों पार्ट का जो डिफरेंस रहता है कि दोनों पार्ट में आपको डिफरेंस कितना चाहिए वो भी रखने के लिए यहाँ पे 7 mm। अमूमन हम 5 और 6 mm रखते हैं। तो इसके बाद में ये क्वांटिटी होने के बाद आपको ओके कर देने का। जैसे ही आपका शीट इंपोर्ट हो गया, अभी कैड कैड फाइल का भी इंपोर्ट हो गया है। अब इसके बाद में आता है लास्ट ऑप्शन कि ऑटोनेस्ट करना है। इन द सेंस कि ऑटोनेस्ट क्या करता है कि किसी भी पार्ट को खुद ब खुद कर लेता है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आप खुद करना चाहते हो, तो ये रहा ऑटोनेस्ट। अगर ये पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी मैनुअल करना है कि उसने बिठाया। ओके, तो वन बाय वन मैं बिठाता हूँ, ऐसा भी आप बिठा सकते हो। अभी बेटर वे क्या, मैं ऑटोनेस्ट कर देता हूँ आगे के लिए। इतने तक हो गया आपका, ये रहा नेस्टिंग। तो ये नेस्टिंग होने के बाद यहाँ पे दिखाता है स्क्रैप परसेंटेज कितना है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है 45% इसका स्क्रैप है। अगर आप मैनुअल में इसको आप बचा भी सकते हो। इतने तक हो गया, यहाँ पे आपका ये प्लेट है और यहाँ पे आपने नेस्टिंग कर दिया। तो आपको आगे क्या करना है कि अभी ये नेस्टिंग तो हो चुका है लेकिन आपको मशीन के ऊपर देना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनसी देना पड़ेगा, मतलब टूल का पाथ जनरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लीड इन और लीड आउट का जो पॉइंट है वो देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे जाने का, ये ऑप्शंस है लीड इन का, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाएंगे आपके, मूल लीड इन, एडिट लीड इन, पेशल लीड इन। तो इसके बाद में आपको एडिट लीड इन में जाना है और उसको क्या करना है, लीड इन देना है। मतलब लीड इन क्या होता है, जैसे कि किसी पार्ट को अभी आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देना चाहिए, इसलिए लीड इन रहता है। तो लीड इन में जाने का, और बहुत सारे लीड इन के ऑप्शन रहते हैं। लेकिन अमूमन यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं लाइन और एंगल बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे भी लाइन एंगल, जैसे लीड इन भी लीड लाइन एंगल और लीड आउट भी लाइन एंगल। तो इसके बाद में पूछता है कि लीड इन लेंथ कितना देना है। तो मैं अमूमन यहाँ पे डिफॉल्ट 5 mm देता हूँ, और उसका एंगल लिखता हूँ 325, और लीड आउट का पॉइंट रहेगा 3 mm, और एंगल रहेगा 45। तो ओके कर देने का। तो पॉइंट्स तो आ गया, लेकिन अब पॉइंट्स यहाँ पे उसका ओरिजिन रहेगा, जहाँ से वो मशीन का ओरिजिन लेगा वहाँ से वो कटना स्टार्ट कर देगा। तो आपको वो कटिंग पॉइंट कहाँ से चाहिए इसका, तो यहाँ पे मैं उसके कटिंग पॉइंट आप मूव करके ले भी सकते हैं, ये मूव ऑप्शन है। तो जहाँ पे आपको रिक्वायर है वहाँ पे आप उस पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मूव कर रहा हूँ इसका इधर, इसका इधर, अपने हिसाब से वहाँ पे सेट कर ले। तो यहाँ तो हो गया आपका लीड इन हो गया, नेस्टिंग हो गया। अब तो आप लास्ट और आखिरी स्टेप्स आता है। जैसे कि पहला स्टेप कौन था, इंपोर्ट का रहता है, जिसके बाद में न्यू टास्क का होता है, इसके बाद में लास्ट वाला नेस्टिंग का रहता है, इसके बाद में फोर्थ जो स्टेप्स रहता है नेस्टिंग एनसी का, मतलब उसको कोड में टेक्स्ट फाइल में अगर जी कोड में एम कोड में जैसे देते हैं वीएमसी सीएमसी पे, वैसे ही यहाँ पे एक कोडिंग करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैसा ही सेम ऑप्शन, जैसे कि नेस्टिंग ऑटो नेस्ट रहता है, जैसे इधर भी ऑटो एनसी रहता है, मतलब खुद बगे तो वो एनसी पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, मैनुअल एनसी देना है। तो सिंगल जहाँ पे आपको करना है, तो एक पार्ट पहले कटेगा, बाद में एक कटेगा, एक कटेगा, वैसे आपको यहाँ पे नेक्स्ट एनसी देना पड़ेगा। जैसे आपके हिसाब से वो उतने हिसाब से वो कटता जाएगा। जैसे भी आपने अभी क्या किया, नेक्स्टिंग एनसी दिया, तो आपको ये पोस्ट करना है। तो यहाँ पे जाके पोस्ट ऑप्शन रहता है, क्लियर एनसी, मैनुअल एनसी, तो यहाँ पे जाके आपको पोस्ट करना है। तो पोस्ट कहाँ पे करना है, जहाँ पे अभी सेव करना चाहते हो वहाँ पे आप उस फाइल को सेव कर सकते हो। ये प्लॉट फाइल रहता है, तो मैं इसमें जाके सेव करता हूँ, कुछ प्रोग्राम का नंबर देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम हो जाता है, तो आपको पेन ड्राइव में डाल के उस मशीन पे वहाँ पे लोड कर देने का। जैसे ये ऑपरेट कर देगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ मशीन पे कैसे चलेगा वहाँ पे। देखो ये ऑप्शंस रहता है इधर ऊपर में, जो कि हाउ सिमुलेशन वी जनरेट। देखो यहाँ से ऐसा करता है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऐसा हो जनरेट, और ऐसे ही पार्ट आपका कटते जाएगा। इससे आपकी मटेरियल की सेविंग भी होती है और स्क्रैप परसेंटेज भी कम होता है, और कम टाइम में बहुत सारा आप मटेरियल कट कर सकते हैं। तो सिमानेस के बारे में इतना ही था, अगले वीडियो में आपके उसके ऑप्शंस में आपको बता दूंगा। थैंक यू।